लेकिन हमने जो लेना है वो इनका सबसे बड़ा पिज्जा जो कि बिग पिज्जा है और वो 30 इंचेस का है, रुपीज है। इतने गौर से तो पढ़ाई भी नहीं होती होगी। तो इन्होंने एक बिग पिज्जा के साथ एक नया जो है वो टेस्ट भी इंट्रोड्यूस कराया है और इनके पिज्जास का जो टेस्ट है वो बाकी सारे पिज्जा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे हैं बिग पिज्जा देखने वाले हैं कि बिग पिज्जा कितना बिग है। तो बच्चों आप रेडी हो सब? यस। तो आज हमारे साथ जो है वो सारे बच्चे जा रहे हैं। पिज्जा को हम लोग फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं और चलते हैं वहाँ पर और देखते हैं कि कितना बिग है उनका पिज्जा। सो वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। और फाइनली हम पहुँच चुके हैं द बिग पिज्जा। और ये बिग पिज्जा जो है वो बहादुराबाद कराची में लोकेटेड है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिज्जा जो है वो बच्चों को कितना ज़्यादा पसंद होता है और पिज्ज़ा तो वैसे सबका ही फेवरेट होता है। तो आज हम बिग पिज्ज़ा इसलिए आए हैं क्योंकि ये बच्चों की फरमाइश थी कि हमने बिग पिज्ज़ा खाना है। सुना है ये एशिया का सबसे बड़ा पिज्ज़ा है, तो सोचा क्यों ना वहाँ चलकर देखा जाए कि अब वाकई ये इतना बड़ा पिज्ज़ा है। तो आइए चले देखते हैं कि इस पिज्ज़ा में ऐसी क्या बात है जो लोग इसे पूरा नहीं खा पाते हैं। तो ये रहा इनका मेन्यू कार्ड और इनके यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के पिज्ज़ाज हैं, लेकिन हमने जो लेना है वो इनका सबसे बड़ा पिज्ज़ा जो कि बिग पिज्ज़ा है और वो 30 इंचेस का है। तो पिज्ज़ा तो हमने 30 इंचेस का ही लेना है, लेकिन हम यहाँ पर इसके फ्लेवर सेलेक्ट कर रहे हैं और तकरीबन हम इस पिज्ज़ा में 4 फ्लेवर्स जो है वो ले सकते हैं। और आपको साथ साथ इसके प्राइस भी बताती चलूँ तो इसके प्राइस जो है वो 4,699 रुपीज़ हैं। इतने गौर से तो पढ़ाई भी नहीं होती होगी। तो एक्साइटमेंट है पिज्ज़ा देखने की, बड़ा पिज्ज़ा इतना सा है। माशाल्लाह सारे बच्चों की बहुत अच्छी परसेंटेज आई और सारे बच्चे बहुत खुश हैं, तो इसी वजह से आज हम लोग बाहर आए हैं और ये पार्टी मना रहे हैं, बिग पिज्जा पार्टी। तो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है। अभी हमारा पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हो रहा है और थोड़ी देर में जब वो यहाँ पर आएगा तो फिर हम देखते हैं कितना बड़ा है ये पिज़्ज़ा। मदिया आपको क्या लग रहा है कि ये पिज़्ज़ा इतना बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा? ऐसा लग रहा है पिज़्ज़ा हमारे लिए नफ होगा या हम पिज़्ज़ा के लिए नफ होंगे। तो अभी थोड़ी देर में पता लगने वाला है कि ये पिज़्ज़ा कितना बड़ा होगा। अजा को क्या खाना है? बिग पिज्जा। अजा क्या खाना है? पिज्जा खाना है। भूख भी बहुत लगी है और बच्चे इंतज़ार में हैं कि बिग पिज्ज़ा जो है वो कब आएगा। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पिज़्ज़ा आ चुका है और माशाल्लाह से ये काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हमारा पिज्जा जो है वो आ चुका है और आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा पिज्जा है। हमने यहाँ पर जो बिग पिज्जा के फ्लेवर सेलेक्ट किए हैं वो ये हैं, रॉकेट रेंच, टिक्का जीला, माइटी मलाई और चिकन फजीता। तो अभी ये सारे जो है वो मैं एक एक करके ट्राई करती हूँ और आपको बताती हूँ कि ये पिज्जा हमें कैसा लगा। आप सोच भी नहीं सकते कि इसका एक पीस कितना बड़ा है और खाना कितना मुश्किल होगा। मुझे तो नहीं लगता कि मैं एक पीस जो है वो खा सकूंगी। इसको खाना वाकई बहुत मुश्किल है। कैसा है? तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि मुझे इनका ये पिज्ज़ा कैसा लगा। तो
तो जहाँ तक इनके चारों फ्लेवर्स की बात है, बहुत ही अच्छे हैं मगर थोड़े से डिफरेंट हैं। तो इन्होंने एक बिग पिज्ज़ा के साथ एक नया जो है वो टेस्ट भी इंट्रोड्यूस कराया है, और इनके पिज्ज़ाज का जो टेस्ट है वो बाकी सारे पिज्ज़ा से काफ़ी डिफरेंट है। तो अगर रेटिंग की बात की जाए तो मैं इसे 3 out of 5 दूँगी। तो आप लोग ज़रूर आएँ अपनी फैमिलीज़ के साथ और यहाँ पर आके बिग पिज़्ज़ा को ट्राई करें, बहुत अच्छा है और यकीनन आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और ख़ास तौर पे बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। तो हमने यहाँ पर अपना पिज़्ज़ा जो है वो पूरा फिनिश कर लिया, क्योंकि हमारी जो टीम थी वो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा खाने पीने वाले लोग हैं, तो हमारा पिज़्ज़ा जो है वो फिनिश हो चुका है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। तो आज के इस मज़ेदार दिन के साथ आप दें मुझे इजाज़त, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।